ये स्पेशल ड्राइवर्स जो है हमने अप टाउन में किए हैं. नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स द डाउन टाउन एरिया सो दैट जो ड्राइवर्स हम कर रहे हैं इनसे इनको हम कंटिन्यू कर पाए डाउन टाउन में और वहाँ भी ट्रैफिक निज़ाम जो है वो सही हो जाए और लोग अपनी अपनी जगहों पे टाइम पे पहुँचें. तो दूसरा हम लोगों ने कुछ एक एडवाइजरी निकाली इन दिनों जिसमें हमने कहा कि भाई अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि बच्चों को जो है वो स्कूटी या बाइक नहीं दे. छोटे बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होती है, माइनर होते हैं तो वो स्कूटी पुकूटी चलाते हैं, हमारी नज़र में आते हैं, हम तो उनको लीगल एक्शन जो भी है वो करते हैं और रादर काउंसलिंग भी करते हैं पेरेंट्स को. लेकिन मेरी अपील है कि पेरेंट्स को मेहरबानी करके बच्चों को स्कूटी बाइक या गाड़ी न दें क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा ख़तरा है, इससे उनके बच्चे की जान जो है वो खतरे में है. एक्सीडेंट्स वैक्सीडेंट्स होते रहते हैं और इनको ड्राइविंग का इतना तजुर्बा भी नहीं होता और ना उनके पास कोई लाइसेंस होती है. जिस किसी ने लगाए हैं तो वो आज पेपर पे भी आया है. मैं सुबह विज़िट किया हूँ वहाँ, मैंने SHO को भी साथ लाया तो मैंने उधर लोगों को बताया कि भाई ये जो बैरिकेड्स खड़े किए गए इलीगल है. तो इस बारे में मैं आज चिट्ठी भी लिख रहा हूँ और मेरे ख्याल से इट विल बी रिमूव्ड. आई एम राइटिंग टू DC साहब अंडर दिस. It is a public nuisance and it should be removed under CRPC Act. तो DC साहब कोई एक्शन लेके वो शायद उनको भी बुलाए जो जिनने लगाया हो तो उसमें कोई एक्शन हो जाएगी. आज 8 बजे का नो एंट्री है, 8 बजे के बाद आते हैं टिपर. पहले अगर कहीं भी दिखते हैं तो हम लोग एक दिन हमने स्पेशल ड्राइव किया था, 32 टिपर लाए थे. उसमें से कुछ एक नो एंट्री से पहले घुसे थे, कुछ को ओवरलोड था, कुछ को त्रिपाल नहीं था. तो नो एंट्री से पहले तो टिपर जहाँ भी कोई नोटिस आता है हम पकड़ लेते हैं.